ड्रामा सीरियल फेरी टेल की एपिसोड लास्ट में क्या कुछ होने वाला है जानिए मेरी इस वीडियो में। अगर है चैनल पे नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि कर रही होगी मीमो और उम्मीद बातें। जब उम्मीद मीमो से पूछती है कि तुम्हारी सनी से बात हो गई, जिस पर कहती है कि हाँ, मीमो कहती है कि मेरी जो है वो सनी से बात हुई थी कल रात, क्यों ही मेरी उससे बात हुई। उम्मीद उसको कहती है मीमो को कि क्या बात हुई तुम्हारी उससे, जिस पर आगे से कहती है मीमो कि कुछ नहीं, बस आने का डिस्कस किया था। जिस पर उम्मीद कहती है कि तुम मेरे हर बात अपनी बताओगी जो तुम्हारी सनी से होगी, जिस पर कहती है मीमो यस मैडम, ठीक है जैसे आप कहेंगी वैसा ही होगा। दूसरी जानब आप देखेंगे कि उम्मीद जो है वो अपनी कज़न को करती है फ़ोन आप चाइनीज बनाने के लिए। वो कहती है, जिस पर कहती है उसकी कज़न जो कि होने वाली है उसकी भाभी भी, और वो कहती है कि तुम चाइनीज़ बनाओगी, तुम्हें क्या खाक चाइनीज़ बनाना आता है। जिस पर वो कहती है उम्मीद कि मुझे चच्ची से बात करनी है, मैं उनसे मदद लूँगी और फिर चाइनीज़ बनाऊँगी, क्योंकि वो फरजाद के लिए एक ज़बरदस्त सा खाना बनाना चाहती है जिसमें वो सारे लोगों को, अपने घर वालों को भी इन्वाइट करना चाहती है। तो वो अपने हाथ से जो है वो खाना बनाने की ख्वाहिश रखती है और वो लेती है अपनी चच्ची से हेल्प। उधर जब फरजाद आता है किचन में तो देखता है उम्मीद को काम करते हुए, तो उसको बोलता है कि तुम खाना बनाओगी, जिस पर कहती है उम्मीद कि हाँ आज मैं खाना बनाऊंगी, जिस पर कहता है फरजाद तो फिर तो खाना जो है वो बाहर से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। जी हाँ, तो इस पर उम्मीद हो जाती है नाराज़ उससे और कहती है कि आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि फरजाद तुम याद ही रखोगे, ऐसा खाना तुमने कभी नहीं खाया होगा। और यूँ चाची से हेल्प लेकर एक ज़बरदस्त सा मेहनत करके खाना बनाती है और सारे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और सारे घर वाले उम्मीद के भी और उसके उम्मीद के जो घर वाले होते हैं वो भी, और पीछे उसका जो ससुराल होता है वो भी, सब आए हुए होते हैं और सारे खाना टेस्ट करते हैं। तो खाना जब टेस्ट करते हैं तो खाना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना होता है, सब ही उम्मीद की तारीफें कर रहे होते हैं और वही उम्मीद की सास जो कि निगो खाला है, निगो मामा है, वो भी उसकी तारीफ करती है और उसको गिफ्ट के तौर पर देती है कि ये लो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट देती हूँ, तुमने बड़ा ही ज़बरदस्त खाना बनाया, और उसके लिए एक खूबसूरत ही डायमंड की रिंग उसको गिफ्ट कर देती है। जी हाँ, तो लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सारे घर वाले जो हैं वो एक साथ बैठ कर खाना खाएंगे और बड़ा ही मज़ा करेंगे और बड़ा ही लुत्फ़अंदोज़ होंगे एक दूसरे से बातों से। यूँ जो है वो उम्मीद और फरजाद हो जाएंगे एक, फिर से उनकी लड़ाइयाँ हो जाएंगी ख़त्म और सनी की शादी हो जाएगी मीमी से जो है फरजाद की बहन है। और आखिरी किस्त में आप देखेंगे कि शादी हो जाएगी आपकी प्यारी जो उम्मीद की कज़न और उसके भाई की भी जो है वो शादी हो जाएगी और पाशा साहब का सारा कर्जा भी उतार देगी उम्मीद अपने कैफे के प्रॉफिट से। तो इस तरह से सारी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी एक बार फिर से। तो आपको फेरी टेल सीजन 2 का लास्ट एपिसोड कैसा लगा और उसका रिव्यू कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर चाहते हैं आप कि फेरी टेल सीजन 3 भी आए तो उसके लिए कमेंट में सीजन 3 ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक नहायत खुशखबरी लेकर आऊँगा ड्रामा सीरियल फेरी टेल के बारे में, 3 के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।